हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोरोलिन के कुछ हैक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बोरोलिन की प्राइस है 34 रुपीज़ और इसमें आपको 20 ग्राम्स के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और मुझे जो इसकी सबसे खास बात लगती है वो है इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है। आई नो आप सब इसे यूज़ करते ही होंगे क्योंकि काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और ये हम सब यूज़ करते हैं। नानी दादी से लेकर ये चलता आ रहा है, तब से अब तक ये चलता ही आ रहा है। कभी कोई भी इससे डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने ब्यूटी के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास बोरोलिन नहीं है तो आपका ब्यूटी और कॉस्मेटिक जो किट होता है वो बिल्कुल ही अधूरा है। इसके बिना आपका ब्यूटी किट कभी पूरा हो ही नहीं सकता, इसलिए हर एक लड़की के पर्स में ये होना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास बोरोलिन नहीं भी है ना, तो आप ज़रूर ख़रीद लोगे। इसके इतने सारे यूजेस हैं गाइस, ट्रस्ट मी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बोरोलिन के जो फर्स्ट यूज़ है वो है अगर आपको कहीं पे कट्स हो जाए, इनफैक्ट अगर आपके बेबी है छोटा, अगर उसको भी कहीं पे कट्स हो जाए, आप इजीली बहुत सेफ है, आप बोरोलिन को उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सेफ है बिल्कुल भी। इसमें अगर आप बेबी को यूज़ करें तो ऐसा नहीं कि कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सेफ है ये प्रोडक्ट। आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं, आपको खुद के ऊपर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कट्स को बहुत अच्छी तरह से हील कर सकता है। अगर आपके लिप्स काफ़ी ड्राई रहते हैं तो आप उसमें बोरोलिन ज़रूर अप्लाई कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपने लिप्स को बोरोलिन अप्लाई कीजिए, थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे आपको फर्क जरूर महसूस होगा। थर्ड जो है, ये काफ़ी अच्छा मेकअप रिमूवर है। मैं आपको इसका डेमो दिखा सकती हूँ। जैसे कि मैंने अभी लिपस्टिक अप्लाई किया है, सो मैं थोड़ा सा बोरोलिन अप्लाई करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से मेरे लिप्स से लिपस्टिक को बिल्कुल ही हटा दिया है। ये काफ़ी अच्छा मेकअप रिमूवर है। नेक्स्ट यूज़ ये है कि अगर आपके हैंड्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, अगर आपके एल्बोज़ काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, आप वहाँ पे भी बोरोलिन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है ड्राई एरिया के। तो गाइस, नेक्स्ट यूज़ ये है कि अगर आपके एल्बो या फिर नीज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गए हैं, या फिर आपके लिप्स के ऊपर एक ड्राई और डेड स्किन की लेयर जम गई है, उसमें भी बोरोलिन का यूज़ कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जिससे आपको बस करना ये है कि रात को आपको बहुत ही थिक एक लेयर लगानी है बोरोलिन के अपने लिप्स पे, और आपको थोड़े ही देर बाद उसे रिमूव करना है। आपको हर दिन ये रेमेडी करनी है। आप देखोगे आपका जो डेड स्किन का जो लेयर था आपके लिप्स से बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से हट चुका है। और आपको अपने डार्क एरिया के लिए क्या करना है, उसी तरह आपको बोरोलिन को थोड़ा सा लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद अच्छे तरह से उसे क्लीन कर लेना है, और आप थोड़े दिन बाद ही फर्क जरूर महसूस। नेक्स्ट यूज़ ये है कि अगर आपको कहीं पे पिंपल या फिर एक्ने हैं, आप डायरेक्टली बोरोलिन को थोड़ा सा अप्लाई कर लें, थोड़ी देर तक वैसे ही रहने दें, फिर आप उसे क्लीन कर सकते हैं। और एक दो दिन में ही आपको जो एक्ने का जो स्पॉट होता है वो बिल्कुल ही हट जाएगा आपके फेस से। सो नेक्स्ट यूज़ ये है कि अगर आपके हील्स काफ़ी ज़्यादा क्रैक्ट है तो आपको बोरोलिन उसमें ज़रूर अप्लाई करना है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप अपने नानी पर नानी अगर आपके हैं तो उनसे भी पूछ सकते हो, वो भी अपनी क्रैक्ट हील के लिए बोरोलिन ही अप्लाई करती होंगी, क्योंकि ये जो है ये हर एक ट्रस्ट करते हैं बोरोलिन के ऊपर। और क्रैक्ट हील के लिए तो नानी पर नानी आई नो यूज़ करते ही आ रहे होंगे, सो हम भी वो यूज़ कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि रात को सोने से पहले आप अपने पैर को अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लें, ज़्यादा गर्म नहीं, जितना आप सहन कर सको, अच्छे से धो के क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको बोरोलिन का एक थिक लेयर लगानी है अपने हील्स पे। देन आपको सॉक्स पहन के रात को सोना है। सुबह जब आपकी सॉक्स को उतारोगे ना गाइस, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होगी अपनी हील्स। बोरोलिन एज अ मॉइस्चराइज़र, जैसे कि हम सब जानते हैं, काफ़ी अच्छा है। आप अपने जो डेली आप मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी लोशन लगाते हो उसमें आपको बोरोलिन मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से उसे मिक्स करने के बाद आप उसे लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपके मॉइस्चराइज़र को जो फ़ायदा है वो तो आपको पहुँच ही रहा है, उसके साथ साथ बोरोलिन का जो फ़ायदा है वो भी आपको पहुँच रहा है। बोरोलिन को आप ऐसे क्यूटिकल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम सब
ड्रेस वॉश करते हैं या फिर डिश वॉश करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो क्यूटिकल एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डेड सेल्स जम जाते हैं। उसमें आपको बोरोलिन का एक थिक लेयर लगानी है और थोड़े दिन बाद भी आपको उसमें फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। सो जो नेक्स्ट यूज़ है वो ये है कि अगर आप अपने बालों को घर पर कलर करते हो और होता है ना कि साइड पर ऐसे लग जाते हैं, छुड़ाने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोरोलिन लगा लेना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको अपने हेयर में कलर अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, अगर आपका कलर जो है यहाँ पे लग भी जाएगा ना गाइस, तो भी बोरोलिन जो है वो जैसे कि हम सब जानते हैं ऑयली होता है थोड़ा सा, जब भी उससे ऐसे वाइप करोगे ना कलर भी तुरंत उतर जाएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर। आई नो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और आप ज़रूर अपने ब्यूटी पर्स में बोरोलिन को ऐड कर लीजिए आज से अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। और आप कर सकते हो मुझे कॉमेंट कि आप मैं आपके लिए नेक्स्ट कौन सा वीडियो लाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज़।